हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू आर लास्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस विल बी आर लास्ट टॉपिक, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। वट वी हैव लर्नड अर्लियर, वट वी हैव सी अर्लियर, वी विल गो थ्रू दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कम्प्लीट चैप्टर, कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो लास्ट वाली वीडियो में एक बारी रिकॉल करके सारा का सारा एक बारी दोबारा से करेंगे। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इतने सारे एवोल्यूशंस हुए, इतने सारे हमने डिस्कशंस देखे हैं, तो उसके थ्रू हमने डिस्कस किया है या ये रिजल्ट फाइंड आउट किया है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि जो हमारी कंट्री में है, जैसे हर कंट्री इज़ डिवर्स, देर आर लॉट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव हेयर, सो द पीपल कांट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। सो वी चूज, वी हैव सिलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स इन दिस द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन्स इसमें जो लोगों को कौन रूल करता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन बनाते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया होता है। यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो हमारी नीड्स एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट को चलाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। अब देखते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ली है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं ली है, तो उसके लिए भी कुछ रीजंस है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव हेयर, मीन्स कंट्री लाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, मतलब अबाउट 130 करोड़, और वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठ सकते हैं, नहीं, इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि इतना लार्ज स्केल पर कोई भी पॉपुलेशन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। तो इतने सारे लोग एक जगह पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास है, क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और हम कहें इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट योर मॉनिटर, तो इजीली आप हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा और जिस मॉनिटर को वो चुनना चाहता है उसको इलेक्ट करेगा। तो वहाँ पर सही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है। पर यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, कि यहाँ पर लोगों का एक साथ बैठना, एक जगह बैठना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो हमारे बिहाफ पर कोई भी काम करते हैं, क्योंकि डिसीज़न लेने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर ये रीज़न है, तो उसके साथ साथ एक दूसरा रीज़न भी है, सिटीजन्स डोंट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीज़न। ना तो लोगों के पास इतना टाइम है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें, ना उनके पास इतने स्किल्स हैं कि वो सोच समझ सकें। बस उन्हें तो ये है कि ये सरकार हमारे फेवर में काम कर रही है, ये हमारे अच्छे के लिए काम कर रही है, इस सरकार ने 100% जो काम करने का दावा किया था, एटलीस्ट उसमें से 70-80% वो काम कर रही है, नेक्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, हम सिर्फ यही देख सकते हैं। पर हर पर्सन के पास इतने स्किल नहीं है कि वो इस पॉलिटिक कॉम्पिटिशन में भाग ले सके, तो इसलिए हमने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके कॉन्सेप्ट को लिया है, कि कंट्री जो है इंडिया की, जिसमें डिवर्स लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एप्लीकेबल है। अब देखिए स्टूडेंट, इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और आपको वैसे जो हमने चैप्टर किया उससे कम से कम आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय एडल्ट सिटीजन, और यहाँ पर जो होती है नॉन डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं की जाती, या तो यहाँ पर मोनार्की रूल होगा, या यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप होगी, इस तरह की से यहाँ पर काम चलता है। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी में कौन चुनता है, लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और कौन से लोग, जो 18 ईयर से अबव की एज के होते हैं। नेक्स्ट है, सिटीजन हैव द बेसिक राइट्स, लोगों के पास बेसिक राइट्स हैं, और वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, लोगों के पास कोई राइट नहीं होती, जैसे राजा बोलता है, जैसे डिक्टेटर बोलता है, लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सिटीजन जो है उनके पास, दे इंजॉय वेरियस फ्रीडम्स, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, एनी रिलीजन, ये सारी चॉइसेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये इस टाइप की कोई भी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करती है। लीडर्स रूल विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ,
ये लास्ट पॉइंट हमने किया भी था कि अगर लीडर भी काम करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हुए हैं उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं कि जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर वो यूज़ करेंगे तो उनके साथ उनके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, नॉन डेमोक्रेटिक में जो लीडर हैं, जो डिक्टेटर हैं, वो अपनी मर्जी से वर्क करता है, अपनी मर्जी से रूल करता है और वो लोगों की सुनता नहीं है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, मींस आंसरेबल होती है गवर्नमेंट की, वो क्या काम कर रही है, कैसे उसने रूल बनाया है। लोगों के पास इवन आरटीआई है, आरटीआई के एक्ट के थ्रू, आरटीआई मींस राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपने किसी लॉ, किसी बिल जो पास हुआ है उसमें, अगर उसके बारे में अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जानी है तो वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाती है डेमोक्रेसी में। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। और भी ऐड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं काफ़ी हद तक, नॉन डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होती। और डेमोक्रेसी में हर पर्सन के पास वन वोट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इस क्राइटेरिया पर काम किया जाता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। जैसे सऊदी अरेबिया में हुआ था, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो स्टूडेंट, अगर हमने जो डेमोक्रेसी का किया है कॉन्सेप्ट, उससे हम ये देख सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वो चीज़ें कौन सी है जो नहीं प्रोवाइड करी, ये तो हम आसानी से जज कर पाते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी, क्योंकि जो चीज़ें डेमोक्रेसी में हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। बट हमारे लिए, बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जो डेमोक्रेसी है इसमें भी लोग जो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, लोगों के लिए होते हैं, लोगों के द्वारा होते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो डेमोक्रेसी में ही होता है। बट गुड डेमोक्रेसी में ये होता है कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, कोई भी फ्रॉड नहीं होता, कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं होती। अगर डेमोक्रेसी में हमने बोल दिया है, कहीं ना कहीं हमने उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़े हैं कि टिकट्स जो होती है घर के मेंबर्स को मिल जाती है, तो डेमोक्रेसी अगर नॉर्मल वर्ड यूज़ करें तो उसमें भी बड़े बहुत सारे फ्लॉज हैं। बट गुड डेमोक्रेसी अगर कहें तो गुड डेमोक्रेसी उन फ्लॉज को, उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को दूर करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है उसमें हम क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में हम सिर्फ डेमोक्रेसी कंट्री के लिए नहीं ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो डेमोक्रेटिक हो, नहीं, एक फैमिली में भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है। कौन सी फैमिली में, जिसमें हर पर्सन को, अपने घर के हर पर्सन को डिसीजन लेने का राइट है, अपनी बात, अपना ओपिनियन शेयर करने का राइट है, तो ही वो कंट्री, कंट्री क्या, वो फैमिली डेमोक्रेटिक बन पाएगी। और ऐसे स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर एक क्लास है, क्लास में अगर टीचर एज ए लीडर वर्क कर रही है, तो डेमोक्रेटिक क्लास तब बना सकती है जब उस क्लास में हर बच्चे को, इवन द स्टूडेंट्स हैव राइट टू, और द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। तो टीचर्स भी ऐसा टेम्परामेंट क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा एटमोसफियर क्रिएट कर सकती है, तो ही वो वाकई में डेमोक्रेसी मानी जाएगी। ओ मतलब ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, जिसमें आप डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये कंट्री तक लिमिट है, ये हर हर स्फीयर में, मतलब हर जगह आप देखो, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। हर लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हर लाइफ में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वाकई में हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले क्या इन्वॉल्व करती है, कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंट। क्योंकि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हम तभी बना सकते हैं जिसमें हम किसी डिसीजन के ऊपर कंसल्टेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ का कॉन्सेंट मांग रहे हैं। किन से? ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, जिन पर इस डिसीजन का कोई असर पड़ेगा। अगर असर किन पर पड़ेगा? लोगों पर। और उन लोगों से ही हम कुछ कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से हम कॉन्सेंट नहीं मांग रहे, और कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी फेवरेबल, और दैट विल नॉट कम इन टू द गुड डेमोक्रेसी क्राइटेरिया, तो वो चीज़ नहीं आएगी। अगर आपको गुड डेमोक्रेसी क्रिएट करनी है तो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, डिस्कशन करनी पड़ेगी, डिबेट के बाद जो फ्लॉज निकलते हैं उसको दूर करके लोगों के कॉन्सेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा,
तभी आप कोई डिसीज़न तक पहुंच पाएंगे और वो डिसीज़न तभी एप्लीकेबल हो पाएगा। तो कहीं हमारी डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की वैल्यू करते हैं, इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। जो जो डेमोक्रेसी में हमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जो डेमोक्रेसी में हमें लगता है कि इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि वी पीपल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, इफ़ वी थिंक सो कि हमारे घर का एटमोसफियर ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम तभी जज कर पाएंगे कि वेदर डेमोक्रेसी यहाँ पर है या नहीं है। कि अगर डेमोक्रेसी बोला जा रहा है तो क्या उसको फॉलो किया जा रहा है। तो देर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एनी इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर आप इक्वल बेसिस पर किसी डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसको गुड डेमोक्रेसी बोल पाएंगे। तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो डेमोक्रेसी में। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री में डेमोक्रेसी अप्लाई किया गया तो डेमोक्रेसी यहाँ पर फॉलो हो रही है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। कि अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आप डिसीजन मेकिंग में हर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट समझो, क्योंकि हर पर्सन जो है, एवरेज सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। ये हर पर्सन को एक कंट्री में मिलना चाहिए। अगर हर कंट्री में, हर फैमिली में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ मिल रही है तो ही वो गुड डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इट कैन नॉट बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स अगर आप एफर्ट्स करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक हम गुड डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है बहुत ही अच्छी लाइन है, देखिए आप। रूलर्स एंड द रूल्ड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन आइडियल डेमोक्रेसी। इसमें मैंने ये लिखा है, रूलर्स कौन हो गए जो कंट्री को चला रहे हैं, और रूल्ड के कौन हो गए, हम हमारे जैसे लोग। हमारे जैसे लोग जो आएंगे वो रूल्ड में आएंगे क्योंकि हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है। अगर हम दोनों ही, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, हम दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक आइडियल डेमोक्रेसी बनाने में। क्योंकि एनकरेज पीपल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड स्ट्राइव फॉर गुड गवर्नेंस। अगर हम लोग हैं क्वेश्चनिंग करेंगे किसी ना किसी चीज़ पर जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें फ्लॉज निकालेंगे, तो गवर्नमेंट भी उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है, अगर मैं लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो लोग हमें हटा देंगे। पर फ्लॉज निकालने की जिम्मेवारी किसकी है, हम लोगों की है। तो पीपल मस्ट प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और आप अपने आरटीआई एक्ट, जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं कहीं वो करप्शन करप्शन इन्वॉल्व तो नहीं है उसमें, कहीं वो करप्ट तो नहीं है। तो रूलर्स अपना काम कर रहे हैं, तो जो रूल्ड हैं मीन्स हम लोग जो हैं, हमारा भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। हम अपने जो गवर्नेंस के जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें पार्टिसिपेट करें, वोट दे के आएँ और देखें कौन सी जो पार्टी है कैसे काम कर रही है और किस फेवर में काम कर रही है, लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही कर रही। ये पॉइंट आउट करना भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम पॉइंट आउट करेंगे तभी गवर्नमेंट जो है या रूलर्स जो हैं वो अवेयर होंगे और वो अपनी मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूलर्स एंड द रूल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों की ही ज़रूरत है इसमें एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है और उसकी क्या नीड है, वो भी मैंने आपको बताया। डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है वो हर स्फीयर में अवेलेबल होनी चाहिए, हर जगह उसको एप्लीकेबल कराना चाहिए क्योंकि हर जगह उसकी नीड है। और अगर हम हर जगह पर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज़, देन यू कैन बी एबल टू रिलेट ऑल द टॉपिक्स एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।